वीडियो अबाउ प्रिंसिपल के लिए आप सभी स्टूडेंट जो भी क्लास 11 के हैं उनका मोस्ट वेलकम। अबाउ प्रिंसिपल क्या है? अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है बिल्डिंग अप, इट मींस बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित ये रूल देता है। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल में भरता है और बाद के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए क्रम में शेष ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे कि 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में जाएगा कि 2p जाएगा, 2p में जाएगा। इसके लिए आप अबाउ प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं और यहाँ 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में। इसका डिटर्मिनेशन एक रूल की सहायता से होता है, n प्लस एल की सहायता से। 1s के लिए n प्लस एल का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 1 का वैल्यू देखेंगे और यहाँ पर 0, ये 1 हो गया। ये 2s के लिए n प्लस एल का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 2 और ये 0, 2 हो रहा है। तो n प्लस एल का वैल्यू इसके लिए लोएस्ट हो रहा है, किसके लिए? 1s के लिए। तो 1s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 2s में बाद में, उसी तरह 2s से अधिक है 2p, और 2p और 3s में आप देख सकते हैं 2p और 3s में जो है 2p का n प्लस एल का वैल्यू, 2p में n प्लस एल का वैल्यू जो है आ रहा है 2+1, 3, जबकि 3s के लिए n प्लस एल का वैल्यू आ रहा है 3+0=3। तो जहाँ जिस सब सेल के लिए n प्लस एल का वैल्यू सेम रहता है वहाँ पर जिसका वैल्यू n का कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट ऑर्बिटल का दिखाया गया है, यानी कि ऑर्बिटल के एनर्जी का अरेंजमेंट वो अबाउ प्रिंसिपल के आधार पर n प्लस एल रूल के हेल्प से होता है। ये यहाँ से आप ऑर्बिटल के एनर्जी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट रिकैप अबाउ प्रिंसिपल के लिए, जिसका आप यहाँ पर दो रूल देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन दैट ऑर्बिटल फॉर विच द वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज लोएस्ट, व्हेन टू ऑर्बिटल्स हैज सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, देन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन दैट सबसेल फॉर विच द वैल्यू ऑफ n इज लोएस्ट। देख सकते हैं यहाँ पर n 2p और 3s के लिए n प्लस एल का वैल्यू सेम है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले 2p में प्रवेश करेगा क्योंकि इसके n का वैल्यू कम है और इसके n का वैल्यू ज़्यादा है। तो जब सेम रहे तो यहाँ n का वैल्यू जिसका कम रहे उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, अगर आप अभी न्यू सब्सक्राइबर हैं, नहीं समझ अभी कभी आपने इस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर देखा या फिर इस चैनल पर नए हैं, तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।